तो भाई यार अपनी वीडियोस में मैं जब भी बातें कहता हूँ, जो कहता हूँ सच कहता हूँ, जिसके लिए हमें कई सारी गालियां भी पड़ती हैं। तो जल रहा है, ये हो रहा है, तो देश के खिलाफ है, ना जाने पता नहीं कौन सी देश के खिलाफ बातें कर दी। बॉलीवुड के खिलाफ बात करना मतलब देश के खिलाफ बात हो जाता है, शाहरुख सलमान के बारे में बात करना देश के खिलाफ हो जाता है। लेकिन यहां पर बात ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की हो रही है। इन दोनों की एक फिल्म आई थी फाइटर, जो कि देशभक्ति के ऊपर आधारित थी, फिक्शनल फिल्म थी, रियल कहानी पे नहीं थी। कहा यह जा रहा था कि ये पुलवामा की घटना से कहा यह जा रहा था कि ये पुलवामा की घटना से प्रेरित है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि ये फिक्शनल फिल्म थी। अब इसमें जो भी रियल शॉट वगैरह जो भी दिखाए गए, लोगों को पसंद आए, कुछ लोगों को पसंद नहीं आए, तरह तरह की चीजें हो रही है। जो चीजें हम कह रहे थे कि इस फिल्म को देखने के लिए सिनेमाघरों में कोई भीड़ नहीं है, कोई इसके बारे में बात नहीं हो रही, कोई चर्चा नहीं हो रही, ना इसके क्लिप शेयर किए जा रहे हैं। यहां तक कि एक आशीष संचलानी ने भी कहा कि आज इस फिल्म को हम पसंद नहीं कर रहे हैं सिनेमाघरों में, लेकिन जब कल ये ओटीटी पर आएगी तब हम कहेंगे कि एक ऑडियंस के तौर पर हम इस फिल्म से चूक गए, फेल हो गए, हमें इस फिल्म को सिनेमाघरों में देखना चाहिए था। अब चाहे जैसी हो, इस फिल्म को मैंने खुद 3 की रेटिंग दी हुई थी, ओवरऑल ठीक फिल्म है, चाहे जैसी भी है। लेकिन मैं एक बात यहां पर बजट और कलेक्शन की कर रहा हूं, जो कि सिनेमाघरों में बिल्कुल नहीं था। 300 करोड़ के बजट वाली ये फिल्म है, जिसे 250 करोड़ भी कहा जा रहा है, और कहा जा रहा है कि इस फिल्म ने अब तक 240 करोड़ की कमाई की है, लेकिन 240 करोड़ की कमाई इस फिल्म ने बिल्कुल नहीं की है। ये फिल्म बहुत गई है, 40-50 करोड़ तक ही गई है, इससे ज्यादा इस फिल्म ने कमाई नहीं की है। ये फिल्म बहुत बड़ी डिजास्टर साबित हुई है, क्योंकि इसमें एक पनौती एक्ट्रेस है जिसका नाम है दीपिका पादुकोण, वो जिस फिल्म में भी नजर आ रही है उस फिल्म की बैंड बजा दे रही है। और पठान को लेकर भी कई सारी बातें हुई, पठान में वही ISI वाली एजेंट बनी थी, महान बनाने की कोशिश की गई थी, जो फिल्म मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब ये चीजें मीडिया वाले भी कह रहे हैं, जो मीडिया वाले कह रहे थे कि फाइटर बहुत अच्छी है, काफी क्राउड है, सब कुछ है, लेकिन अब वही मीडिया वाले हेडलाइन दे रहे हैं कि आखिर फाइटर सिनेमाघरों में फेल क्यों हो गई। अब सोचिए मीडिया वालों का ये दोहरा चरित्र, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि क्राउड नहीं है, लेकिन अब मीडिया वाले ही कह रहे हैं कि फाइटर फ्लॉप क्यों हो गई सिनेमाघरों में, उतनी क्राउड क्यों नजर नहीं आ रही है। अमाउंट वही दिखा रहे हैं, कलेक्शन 244 करोड़ 40 करोड़, लेकिन रियल में ऐसा नहीं है, ये 50 करोड़ तक भी नहीं पहुंची है मूवी, क्योंकि वाकई में नहीं थी भीड़। एनिमल की बात करें, एनिमल 15-20 दिनों तक सिनेमाघरों में अच्छी खासी भीड़ थी, जवान के लिए भी भीड़ थी, OMG 2 के लिए भी भीड़ थी, फिर उसके बाद गदर 2 के लिए भी भीड़ थी। लेकिन अब आप यहां पर समझ जाइए, अगर बॉलीवुड से नफरत भरी न्यूज देता तो मैं एनिमल वगैरह की भी तारीफ नहीं करता, जवान की भी तारीफ नहीं करता, डंकी भी मुझे ठीक ठाक लगी थी, लेकिन फाइटर जो है एक एवरेज फिल्म है, और सिनेमाघरों में वाकई में भीड़ नहीं थी। अब कोई इस चीज को माने या ना माने, उससे फर्क नहीं पड़ा।